कोरोना के कहर से जब मौत के बाद मुक्ति नहीं मिल रही है तो फिर जीते जी इंसान की क्या हैसियत। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। कोरोना से जूझ रहे लोगों का सामना किन किन परेशानियों से हो रहा है, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने देश के कोने कोने से ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा की है। हर जगह कमोबेश एक जैसी हालात दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के आगे सिस्टम पूरी तरह से लाचार दिख रहा है। इलाज तो दूर, लोगों को भर्ती होने के लिए अस्पताल में एडमिशन तक नसीब नहीं हो रहा है। कोरोना के आगे कैसे हमारा सिस्टम चरमरा उठा है, आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखना चाहिए। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, मरीज भयग्रस्त है पूरा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काला बाजार राज्य कोई भी हो, जिला कोई भी हो, जगह कोई भी हो, लेकिन तस्वीर हर जगह एक जैसी है। हर जगह कोहरा एक जैसा है, हर तरफ हाहाकार एक जैसा है। कोरोना के आगे लाचार हुए सिस्टम की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां कूड़े वाली गाड़ी में इंसान का शव रखा जा रहा है। ये राजनांदगांव के डोंगारगांव ब्लॉक का अस्पताल है, जहां जीते जी मरीज को तो शायद ही कोई सुविधा मिल रही हो, लेकिन मरने के बाद क्या हाल है ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। वो मैडम से ही बोलो, वो बात करेंगे, अगर बैठ होगा तो हम भिजवा देंगे। ये महिला होशंगाबाद के सिविल सर्जन के दफ्तर में अपने पति की जिंदगी की गुहार लगा रही है। यहाँ पे भर्ती है ना, पर अब कैसे करेंगे हम? मेरे बच्चे उनको निकल चले दोनों के, मैं अकेली क्यों, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या नाम है। मैं मैडम को बोल देता हूँ, वो बात कर लेंगे। हाथ जोड़कर आंसू बहाती इस महिला की गुहार सिर्फ इतनी है कि उसके पति को इलाज दिया जाए। महिला के पति को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे। मेरे पति को कोरोना पॉजिटिव बताए हैं और उनको बाहर ले जाने की बोल रहे हैं, लेकिन आईसीयू रूम नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन उनकी 60 बता दें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी एक बार मदद कर दो बस। ऑक्सीजन तो है लेकिन वो बोलते हैं आईसीयू रूम ले में ले जाओ, मैं कहाँ ले जाऊँ अकेले। ये किसी एक शख्स की एक परिवार की कहानी नहीं है। अस्पताल के आसपास जिससे भी पूछिए एक सा ही जवाब मिले। अस्पतालों की ये स्थिति है कि बहुत से डॉक्टर पे परिणाम पॉजिटिव है, होशंगाबाद में भी लापरवाही है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, मरीज भयग्रस्त है पूरा, भय में जी रहा है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रशासन मौन है और जिम्मेदार कोई नहीं है इस समय। तो स्थिति बहुत ही भयावह है, ना वैक्सीन है, ना वेंटिलेटर है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, लोग बाग पैसे लेके घूम रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। मरीजों की परेशानी के बारे में जब डॉक्टर साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने भी संसाधनों की कमी का ही रोना रोया। होशंगाबाद में भी हमारे पास काफी मरीज आ रहे हैं बाहर से, ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं, पर थोड़ी सी कमी है कि मरीज ज्यादा हो रहे हैं। इंजेक्शन की तो कमी है, हमारे पास कम आ रहे हैं। मेरे पास भी 36 मरीज हैं और एक मरीज को 6 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। कमी तो बनी हुई है हमारी जी, होप काम तो चल रहा है, पर और ज्यादा की हमको अभी जरूरत है तो हमने मांग करी है। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ भी सिस्टम कोरोना के सामने घुटने टेक ही चुका है। ये खंडवा जिले का कोरोना अस्पताल है। मध्य प्रदेश के कोरोना के प्रभारी मंत्री विजय शाह दौरा करने पहुंचे हैं। मंत्री जी के सामने अस्पताल पूरी तरह से अप टू डेट नजर आ रहा है, लेकिन अस्पताल की सच्चाई एक मरीज के रिश्तेदार से सुनिए, जिसे अस्पताल प्रशासन ने एक शव थमाकर ये बता दिया कि उसके मरीज की मौत हो चुकी है, लेकिन इस शख्स का मरीज जिंदा और सही सलामत। वो हम बोले कि हमारी डेड बॉडी हमको बताओ या तो कुछ भी दो, वहाँ से हमने सब पूरा सामान लकड़ी मकड़ी सब घर से ले आए रामपुरा से, वो बाकी के आदमी वहाँ गए शमशान घाट पे। फिर हमको नंबर आया हमारा जैसे कि बॉडी ले जाने का, गोलू पवार के नाम से
चीट चिपकी थी वहाँ। हमने उनको निकाला, एम्बुलेंस में डाला, हमने बोला कि हमारे बंदे का चेहरा देखना है हमको। देखा तो हमारा बंदा नहीं था, मामा जी का लड़का फिर ऊपर गया हमारा। फिर देखा तो ऊपर मैंने कहा खाना वाना सब इलाज विलाज अच्छा वाला चल रहा है उसका, मतलब जिंदा है और जिंदा है। हाँ जिंदा है ना। आरोप है कि मौत के आंकड़ों में भी हेरा फेरी हो रही है, लेकिन जब मंत्री जी से इस बारे में सवाल हुआ तो न तो वो मौत का आंकड़ा बताने को तैयार है और न ही ये मानने के लिए कि आंकड़ों में गड़बड़ी हो रही है। कल कितनी हुई थी और आज कितनी हुई है? और आज कितनी हुई है अभी तक? कि वो तो आंकड़े कुछ छुपाने की बात नहीं, जो भी डेथ होती है, जो भी छुट्टी होती है और जो भी एडमिशन होते हैं, ये सारी चीज़ें सब लिखापढ़ी में होती है। कलेक्टर साहब या अस्पताल प्रबंधन ने हमें एक भी आंकड़ा छुपाने सकते। कितनी कितनी हुई है मौत, कितनी हुई कल से लेके आज तक अस्पताल से, कितनी डेड बॉडी निकली है? वो तो जिला प्रबंधन से बात करके आपको दे दे। ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ से शुरू हुआ अनोखा अभियान है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर वेल्डिंग के दुकानदारों के सिलेंडर लिए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अब अस्पतालों में किया जाएगा। जिले में अभी ऑक्सीजन की कमी है, तो कलेक्टर साहब का निर्देश था कि जहाँ जहाँ भी सिलेंडर मिले हैं उनको प्राप्त कर लिया जाए, तो उसी तारतम्य में अभी 16 सिलेंडरों को विभिन्न वेल्डिंग की दुकानों से इकट्ठा कर व्यापारी हैं श्री आशू अग्रवाल जी, उनको सुपुर्द किए गए हैं ताकि ऑक्सीजन लाई जा सके। मध्य प्रदेश के जिलों के बाद राजधानी भोपाल का हाल भी देख लीजिए। यहाँ फीवर क्लिनिक बनाया गया है। वैसे तो भोपाल में 50 से ज्यादा क्लिनिक बने हैं, मगर 10,000 मरीज रोज आने से इनकी हालत भी चरमरा गई है। मगर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो प्राणरक्षक इंजेक्शन है, ये इसकी रोज की सप्लाई तकरीबन 4,000 इंजेक्शन की है। सरकार बाहर से व्यवस्था करवा रही है, मगर अभी जो डिमांड आ रही है वो 5,000 से ज़्यादा इंजेक्शन की है। भोपाल में एक नई व्यवस्था की गई है। भोपाल में तमाम जगहों पे जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के बाहर जो जितने जिन लोगों को चाहिए इंजेक्शन, वो अपने अपने आवेदन लेके आ रहे हैं, या इन लोगों की जो डिमांड है उसका चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो कागज़ बनेगा तो उसके बाद फिर किसी केमिस्ट के पास या उस संबंधित अस्पताल में इंजेक्शन पहुँचा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की इन तस्वीरों से हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन इंतजामों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिन मंत्रियों के सिर पर है, अब जरा उनका बयान भी सुन लीजिए। कोई कहता है कि मरना पड़ता है, कोई कहता है कि संसाधनों की कमी की बात ही झूठी है। मौतें हुई है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। जो नेगेटिव माहौल सुना सुना है कि भाई यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो कल एक घटना में बताना चाहता हूँ। कल 50 व्यक्तियों ने मेरे को रास्ते में बोला के जब खरगोन पे था कि भाई इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं। मैंने कहा कौन गया बताओ, 50 आदमी आप खड़े हो, एक नाम बताओ कोई गया उसको इंजेक्शन नहीं मिला। मैं भी फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा आप में से कोई के एक भी नहीं, पर वो 50 ही बोल रहे हैं, तो एक माहौल जो पैदा किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये जरूर मान रहे हैं कि मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ने से सुविधाओं में कमी आई है, जिसे बढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी जल्द दूर भी हो जाएगी। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त तो उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूँ और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जैसा ही हाल बिहार का भी है। यहां भी कोरोना के मरीजों की जरूरत का सामान खत्म हो चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर की ऐसी किल्लत है कि मरीज के रिश्तेदार फैक्ट्रियों तक का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अगर लिक्विड ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, गवर्नमेंट में भी होगी, प्राइवेट में भी होगी, सब पेशेंट्स को होंगे। अगर लिक्विड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामने सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। रिश्तेदार अपने मरीज को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा। हमारे बड़े भाई परसों इंस्पायर कर गए, एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।